साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने तिहाड़ जेल में बंद सोनू पंजाबन के दो ममेरे भाई और उसके एक साथी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सोनू पंजाबन ने के भाइयों में विजय भाटिया उर्फ रणविजय भाटिया उर्फ गोल्डी और संजय उर्फ शानू उर्फ विजय शामिल है, जबकि तीसरे का नाम रोहित तंवर है। डीसीपी ने बताया कि विजय भाटिया मालवीय नगर का रहने वाला है, जबकि संजय मेहरौली का और रोहित तंवर हरियाणा का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, पिस्टल, कारतूस, देसी कट्टा, बटनदार चाकू बरामद किया है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ को इन्फॉर्मेशन थी कि नेहरू प्लेस ईस्ट ऑफ कैलाश इस प्रकार के जगह में कुछ बदमाश क्रिमिनल्स जो कि महंगी गाड़ी में आर्म्स एमुनेशन के साथ चलते हैं, और एक सूचना ये भी था कि ये कुछ लोगों को इमोरल ट्रैफिकिंग के प्रलोभन दे करके उनसे पैसे वगैरह उनसे लूट भी लेते हैं। इन लोगों ने गैंग बना करके एक बड़े ही अनोखे तरीके से लोगों को लूटपाट करने का धंधा इन्होंने शुरू किया। ये एस्कॉर्ट सर्विसेज और इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन उसको प्रलोभित करने के लिए अलग-अलग वेब पोर्टल्स जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स पोर्टल्स हैं उस पोर्टल्स में इन्होंने अपना मोबाइल नंबर्स वहाँ पे रजिस्टर करवा करके डाला, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस तरीके का सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम देख करके उनको नंबर से डायल करता था तो कॉल इन्हीं के पास आता था, और उसके बाद ये उन लोगों को वो अलग-अलग जगह पे ठिकाना बता करके उनको वहाँ पे बुलाते थे, जैसे नेहरू प्लेस इलाके में बुलाते थे, और बुलाने के बाद ये कई बार साथ में एक दो ये लोग महिला भी साथ में रखते थे दूसरी गाड़ी में, और उनसे पैसा एडवांस में 15,000 20,000 25,000 10,000 जैसे भी जिसके साथ होता था वो रेट फिक्स करके उनसे पैसा ये लोग ले लेते थे, और उसके बाद वो महिलाएं उन व्यक्तियों के साथ जिनसे इन्होंने ये पैसा लूटते थे उनके साथ झगड़ा करके वहाँ से चली जाती थी, और ये लोग भी वहाँ से मौके से फरार हो जाते थे, गायब हो जाते थे। इसी तरह पिछले कई महीनों में इन्होंने सैकड़ों लोगों को इस तरह से लूटपाट किया है, रॉबरी कमिट किया है, और साथ में हमारे स्पेशल स्टाफ को ये भी इन्फॉर्मेशन था कि सोनू पंजाबन एक केस में जो बंद है उसमें एक गवाह को धमकाने के लिए उसने अपने यही नहीं इन्हीं गैंग के लोगों को उन्होंने बताया था, और ये लोग उसी वजह से धमकाने के लिए डराने के लिए और लोगों को रबरी के समय में डराने के लिए ये लोग अपने पास पिस्तौल और हथियार इत्यादि रख करके घूमते थे।